नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आगर जिले की बड़ौद पुलिस को बड़ी मात्रा में अवैध शराब पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। आगर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने पत्रकार वार्ता में बताया कि मुखबिर की सूचना पर बड़ौद पुलिस ने एक कंटेनर को पकड़ा है जिसमें अवैध रूप से अंग्रेजी गोवा ब्रांड की नकली विस्की की 500 पेटियां जब्त की गई हैं, जिनकी मार्केट कीमत लगभग 22 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही पुलिस 20 लाख रुपए कीमती कंटेनर को भी जब्त करने की कार्यवाही कर रही है। पकड़े गए आरोपी जितेंद्र से पूछताछ में सामने आया है कि इंदौर निवासी बिल्लू नाम के व्यक्ति ने यह शराब धार जिले से भरवाई थी, जो बड़ौद होती हुई राजस्थान की तरफ जा रही थी। पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित पत्रकारों को अवैध शराब के इस पूरे नेटवर्क का खुलासा करने का आश्वासन देते हुए इस शराब को जब्त करने वाली बड़ौद पुलिस की टीम को 10,000 का इनाम देने की घोषणा की है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कंटेनर RJ3043 नंबर की गाड़ी अवैध शराब लेकर के मध्य प्रदेश की सीमा से बाहर राजस्थान की तरफ जा रही है। इस सूचना पर थाना प्रभारी बलोच द्वारा नाकेबंदी करके उस कंटेनर को पकड़ा गया। कंटेनर की जांच की गई जिसमें गोवा नाम की ब्रांड की अवैध शराब मिली है, जो पूरी तरह से इलिसिट लीकर है। और पूछताछ में प्राप्त हुआ है कि गिल्लू नाम का व्यक्ति जो इंदौर में रहता है, वो धार जिले के लेबर से इस पूरे शराब को कंटेनर में भरा है और मध्य प्रदेश के रास्ते बड़डग होते हुए राजस्थान की तरफ जा रहा था। सूचना पे पकड़ के हम लोगों ने गाड़ी का ड्राइवर जितेंद्र मालवीय से गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ की जा रही है वो माल कहाँ जा रहा था, कहाँ से लोड हुआ, किस कंपनी का माल है, ब्रांड है, इस सब पे हमारी जांच जारी है। और इस पूरे रैकेट में जो जो भी लिप्त पाया जा रहा है सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और अवैध शराब पे जिले में कोई परिवहन न हो, बिक्री न हो, उस पर अंकुश लगाने का।